प्रत्येक व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता, यह जो प्रश्न आपके मन में घूम रहा है उसका एक ही कारण है कि मनुष्य की वृत्ति केंद्रीभूत नहीं है। हम चाहते हैं क्या कि कोई व्यक्ति आकर मुझे सफल बना दे। हम कोचिंग में दौड़ते हैं, गुरु के पास दौड़ते हैं, कोई अनेक संतों के पास जाते हैं और लोगों को कहते हैं मुझे सफलता की रास्ता बताओ। कोई भी व्यक्ति आपको सफलता का मार्ग नहीं बता सकता, प्रयास करना बता सकता है। और एक बात ध्यान रखिए, यह प्रकृति या संसार कुछ नहीं करता है, प्रकृति वही करती है जो आप करते हैं। प्रकृति अपनी ओर से कुछ नहीं देती, सिर्फ लौटा देती है। अब प्रश्न है कि आपकी जो क्रिया है, आपका जो प्रयास है, वो कितना केंद्रीभूत है, कितना पॉइंटेड है, कितना सार्थक है, इस पर निर्भर करता है। कहते हैं सफलता के लिए लाखों लोग दौड़ते हैं, आपने देखा होगा जीवन की सफल, कौन कहता है नहीं हमको सफलता नहीं चाहिए। लाखों लोग दौड़ते हैं, आगे चलकर हजारों दौड़ते रहते हैं और शिखर पर केवल एक व्यक्ति पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जितने लोग थे उन लोगों ने अगर अपनी चारों दिशाओं में अपनी ऊर्जा का विस्फोट करना शुरू कर दिया, बहाव शुरू कर दिया। गंगा नदी हिमालय से चलती है और अगर सीधे वहाँ से गंगा सागर तक जाती है तो उसमें वेग अधिक होगा, लेकिन उस नदी में हजार कैनल लगा दिया जाए तो वेग कम हो जाएगा। ठीक वही स्थिति आपकी है, आपके पास ऊर्जा का भंडार है, आप तो यूरेनियम के खान हैं, हजार डायनामाइट की एनर्जी आपके पास है, बशर्ते उस एनर्जी को केंद्रित कर दे, पॉइंटेड कर दे। हम लोग क्या करते हैं, प्रयास जरूर करते हैं। मैंने सुना कि हिमालय पर चढ़ने के लिए कुछ लोग प्रयास किए, गुरु ने कहा कि 10 विद्यार्थी निकला हिमालय पर चढ़ने के लिए, और जब कुछ दूर आगे गया तो एक व्यक्ति ने वहाँ ऊपर से सूचना दी कि ऊपर वेदर खराब हो गया है, बच्चों को मत आने दीजिए, रोक दीजिए। गुरु ने यहाँ से प्रयास किया, रुक जाओ रुक जाओ, 9 बच्चे रुक गए, 10वां चलता चला गया और पहुँच गया, शिखर पर पहुँच गया। लोगों ने पूछा कि तुमने क्या कैसे किया, हमने तो तुमको रोका था जाने से। उसने कहा कि मैं बहरा हूँ, मैं मुझे सुनाई नहीं पड़ता, मैं दुनिया के कमेंट नहीं लेता हूँ, हम फुटबॉल नहीं हैं, हम दूसरे लोग जो कहते जाएं हम करते जाएं, हमारा मन जो कहता है, मेरी जो ऊर्जा का बहाव हो रहा है उस ऊर्जा को हम बहाते चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि लाखों लोग दौड़ते हैं प्रतिदिन सफलता की दौड़ में, IAS की परीक्षा में लाखों लोग बैठते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को चारों तरफ फैला दिया, वह एक साथ कभी वकील बनता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी उद्योगपति बनता है, कभी टीचर बनता है, तो वह कहीं नहीं होता। इसलिए स्थिति यही होती है कि आदमी दौड़ता सब है, प्रयास प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन गिने चुने लोग ही राष्ट्रपुरुष बन पाते हैं, गिने चुने लोग। अब संघर्ष देखिए, हमारे कलाम साहब ने जब जो प्रक्षेपण कराया, अब सुनते हैं, साइकिल पर लाद कर उन्होंने एपरेटस को केंद्र तक पहुंचाया था, कितना संघर्ष किया होगा, मतलब कि उन्होंने साध लिया कि मुझे वहाँ तक पहुंचना है और वे पहुँच कर दिखा दिए। इसलिए अपनी शक्ति को केंद्रित करें, एकत्र करें, इकट्ठा करें और प्रतिदिन मन में संकल्प करके केंद्र की ओर, शिखर की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आप शिखर पर ध्वज को आरोहण कर सकते हैं और आप इतिहास पुरुष बन सकते हैं।